हेलो दोस्तों, कारपेंटर करनाल में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको दिखाएंगे अलमीरा। ये अलमीरा 5 पल्ले प्रोफाइल के लगेंगे और ये 8x8 का है, 8x8 का है और ये छत तक का अलमीरा बनेगा। आगे आपको दिखाएंगे वीडियो में कैसे हमने तैयार किया है अलमीरा, अलमीरा का बक्सा और ये छत तक का अलमीरा बनेगा और इसमें 11 ड्रॉर हैं। और ये आगे देखें वीडियो कैसे हमने तैयार किया है बक्सा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। आगे देखें वीडियो और अलमीरा। आज आपको दिखाएंगे ये अलमीरा बना के। और ये हमने अलमीरा का माल काट दिया है और ये 19 mm की प्लाई होती है और इस पर हमने पेस्ट करके सनमाई का पेस्ट कर दिया है। और ये 0.8 की सनमाई का है, बार वाली सनमाई का होती है। और ये हमने अंदर की साइड लगाई है और ये आपको दिखा रहे हैं बक्सों का माल। ये बक्सों का माल हम काट रहे हैं और इसमें हमने प्रोफाइल लाइट लगाई है। प्रोफाइल लाइट लगाई है, जैसे डोर खुलेंगे तो लाइट जलेगी। और ये आपको दिखा देते हैं अभी कैसे हम बक्से ठोकते हैं। ये हम बक्से ठोक रहे हैं और ये 2 फुट की गहराई के बक्से होते हैं। और ये टोटल इसकी अलमीरा की हाइट जो आपको वीडियो में दिखाएंगे 8x8 की है। ये हम बक्से ठोक रहे हैं अलमीरा के और इसमें प्रोफाइल लाइट लगाई है। और ये अंदर हमने सेंचुरी की सनमाई का लगाई है और ये प्रोफाइल लाइट के लिए हमने इसमें प्रोफाइल फिट कर दी है और इसमें प्रोफाइल लाइट लगेगी। और ये आपको दिखा रहे हैं बक्सा, ये बक्सा हमने ठोक दिया है। इसमें एक पार्टीशन होगा और 3 पल्ले लगेंगे, एक पार्टीशन होगा और 3 पल्ले लगेंगे और एक जोड़ी होगी, एक सिंगल पल्ला होगा, एक सिंगल पल्ला होगा। ये हमने इसमें स्लेब डालने चालू कर दिए है और एक साइड हमने 2 स्लेब डाल दिए हैं। अभी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हम इसमें स्लेब डालेंगे और कैसे कैसे इसमें डिवाइडर कर देंगे। ये हम स्लेब डालते जा रहे हैं इसमें। और इसमें सारी अलमीरा में 8 फुट अलमीरा में 8x8 अलमीरा में 11 ड्रॉर लगेंगी, 11 ड्रॉर होंगी। और ये आपको दिखा रहे हैं अलमीरा, अभी स्लेब डालते जा रहे हैं ऊपरली साइड। ये आप देख सकते हो हमने अलमीरा अभी तैयार कर दिया है और इसको प्लाई लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली साइड बैक साइड हम फेविकोल लगाते हैं और इस पर प्लाई रख दी है हमने, एक साइड जोड़ी वाली साइड हमने इस पर प्लाई रख दी है। अभी इसको प्लाई को ठोक रहे हैं, ये प्लाई हम बैक साइड की इस पर ठोकते हैं और इस पर हम 9 mm की प्लाई लगाते हैं, 3 सूत मोटी प्लाई लगाते हैं। और इसमें 14 नंबर 1.5 इंची की लगा देते हैं बैक साइड, ये हम 1.5 इंची कील इसमें ठोक रहे हैं। और ये प्लाई हमने इस पर 9 mm की ठोक दी है, 3 सूत की प्लाई हमने इस पर ठोक दी है। हम अभी आपको सारी प्लाई ठोक के दिखाएंगे। ये हमने इस पर प्लाई ठोक दी है और ये 2 फुट गहरी है, 24 इंची की गहरी है। और ये हमने सारी प्लाई इस पर पिछली साइड बैक साइड ठोक दिया है और इसमें 3 पल्ले हैं और एक जोड़ी एक सिंगल पल्ला है। अभी आपको दिखा देते हैं घड़ी करके। ये ऊपर की साइड बिस्तरों के लिए है, एक हैंगर के लिए, और ये साइड में सिंगल पल्ला देख रहे हो, ये लॉन्ग सूट के लिए होता है। और नीचे एक ओपन खाना है और इसमें 5 ड्रॉर हैं, इसमें 5 ड्रॉर हैं, नीचे 8.5 इंची की ड्रॉर हैं सारी और ऊपर 6.5 की, और ऊपर एक ट्रे है। और ये दूसरा खाना साइड का हम अभी आपको दिखा देते हैं, इसमें जोड़ी लगेगी। ये आपको ठोक के दिखा रहे हैं, इस साइड में स्केल रखा जाएगा, मतलब टोटल अलमारी 8.5 फुट लंबी और 8 फुट ऊंची होगी। और इसमें भी कोप लाइट के लिए होगी और ड्रॉर, ये सारी अलमारी आपको दिखा देते हैं। हमने सारी अलमारी ठोक दी है, 5 ड्रॉर उसमें है और एक सिंगल पल्ले में है, तो टोटल ड्रॉर इसमें 11 ड्रॉर हैं। टोटल 11 ड्रॉर हैं, ऊपरली साइड बिस्तरों के लिए है, नीचे दो
तीन खाने हैंगरों के लिए हैं और नीचे ड्रॉर हैं, दो खाने ओपन हैं। प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, सारा आपको दिखा देते हैं अभी हमने कैसे कैसे इसको तैयार किया है। ये दोबारा दिखा देते हैं आपको। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।